नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी इंतखाबात से भागेगी नहीं, बल्कि आने वाले वक्त में जो भी इंतखाबात होंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस उनमें हिस्सा लेगी। ये कहना है नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का। गुज़श्ता कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वादी कश्मीर में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि आने वाले वक्त में यहाँ पर जो भी इंतखाबात होंगे, चाहे वो DDC BDC के हों, चाहे वो पंचायत इलेक्शंस हों, नेशनल कॉन्फ्रेंस इन इंतखाबात से भागने वाली नहीं है, बल्कि हर आने वाले इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस हिस्सा लेगी। वहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से जब G20 मीटिंग के हवाले से पूछा गया तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कहा कि हम पुरउम्मीद हैं कि इस G20 मीटिंग की बदौलत जो फॉरेन टूरिस्ट हैं वो भी यहाँ पर आएंगे, जिससे हमारे जम्मू और कश्मीर में टूरिज़्म को जो है वो बूस्ट मिलेगा। और साथ ही साथ उनने ये भी कहा कि कश्मीर एक ऐसी जगह है जो सैर व सियाहत के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, यानी टूरिज़्म के हवाले से कश्मीर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। लेकिन जब से यहाँ पर मिलिटेंसी जो है इरप्ट हुई है, तब से लेकर आज तक फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पर नहीं आते हैं, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी जो है वो कश्मीरियों को झेलना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से इस बार डिफरेंट कंट्रीज से डेलीगेट्स यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं टूरिज़्म पर्पज़ को लेकर, और हम उम्मीद करते हैं कि इससे हमारे टूरिज़्म सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा और फॉरेन टूरिस्ट जो है वो फिर से यहाँ पर आने लगेंगे। जब उनसे पूछा गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कई तरह के सवालात यहाँ के लोगों पर उठा रहे हैं, सियासी पार्टियों को लेकर उठा रहे हैं, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से सत्यपाल मलिक यहाँ से चला गया था एक दिन, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी उसी तरह से चला जाएगा। वो यहाँ पर इस वक्त रह रहा है, उसे जो मर्ज़ी है वो बोले, हम उससे कुछ नहीं कहेंगे, उसके मुंह में जो आ रहा है वो बोले जा रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में जो हाल सत्यपाल मलिक का है वही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का भी होगा। जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से असेंबली इंतखाबात को लेकर बातचीत की गई तो उस वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कहा कि जब भी जम्मू और कश्मीर में असेंबली इंतखाबात करवाए जाएंगे, NC जो है वो इन इंतखाबात में हिस्सा लेगी और वो इंतखाबात से भागेगी नहीं, चाहे BDC के इंतखाबात हों, DDC के हों, पंचायत के हों या फिर असेंबली इलेक्शंस हों। और आप सभी भी जानते हैं कि असेंबली इलेक्शंस का इस वक्त बड़ी बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है। हर सियासी पार्टी, जम्मू और कश्मीर का हर बाशिंदा ये चाहता है कि जम्मू और कश्मीर में इंतखाबात हों, यहाँ पर कोई चुनी हुई सरकार हो, और इसके लिए एक आल पार्टी डेलीगेशन यहाँ से दिल्ली भी गया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम भी सबमिट किया गया था, लेकिन अभी तक असेंबली इंतखाबात जम्मू और कश्मीर में कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे। हालांकि ये माना जा सकता है, ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर पहले पंचायत इलेक्शंस होंगे, उसके बाद हो सकता है कि यहाँ पर असेंबली इंतखाबात हों, लेकिन बहरहाल अभी तक ये नहीं बताया गया कि कब यहाँ पर असेंबली इंतखाबात होंगे, कब यहाँ पर कोई चुनी हुई सरकार होगी जो अवाम के मसलों पर तवज्जा देगी। बहरहाल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का साफ तौर पर कहना है कि हम इंतखाबात से भागेंगे नहीं, हम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, चाहे वो कोई भी इंतखाब आने वाले वक्त में जम्मू और कश्मीर में हों।